ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। युवक समीर कुरैशी पुत्र नईमुद्दीन उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजन नाबजद लोगों पर हत्या कर फेंकने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर भाली पुलिस फोर्स तैनात हो गया। लगभग 2 माह पहले मृतक समीर का कुछ लोगों से विवाद होने की बात सामने आई है, जिस पर समीर ने गंभीर आरोप लगाए थे और सदर कोतवाली में शिकायती पत्र भी सौंपा था। आपके भतीजे के साथ। मेरा नाम नसीबुद्दीन बाबा कुरैशी है और मैं घर में सो रहा था, बहुत गरीब में एसी की चलाया। कहते भाई तुम्हारे भतीजे का मटर हो गया, तो हम तुरंत एसी भगे लोवर मोवर पहन के, यह सूचना मिली कि भाई मटर कर दिया, तो हम तुरंत कोतवाली भागे। कोतवाली से पुलिस आई। क्या है आपका, किसने किया, क्या है आरोप? आज से करीबन 20 दिन पहले इनका एक विवाद हुआ था, मौसम वो तुम्हारे चेतन और कोई पांडिया कहते इराड़े पे रहता गोलू, तो जिसकी सूचना देकर पनवी करवाई था उनको, हम लोगों ने और उन लोगों ने धमकी दी तेरा मटर कर देंगे। और जब मौसम भी था इतने, जब से छूटा वो शरीर आ रहा मटर कर रहा, जब से रहते आज तक इतनी गुंडागिरी करते, इतनी बदमाशी करते, सुबह ही देखे लोगों के पीछे पड़ा है, कहता मंडी वालों को मार डालेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, आज मार डाला उनने। और हमें भी क्या हुआ, धमकी दी मौसम ने हमें भी, हम भी तेरी पूरी नेतागिरी और तेरी पूरी पत्रकारी उड़ा देंगे और मंडी का कोई मटर कर देंगे, तो आज वाले हमारे भतीजे की मटर कर दिया मौसम ने और इनकी पूरी ग्रोह ने, सफाई देके काम करता है साहब।